गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से इस उत्सव की शुरुआत होती है और अनंत चतुर्दशी पर इसका समापन होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम हिस्सों में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को पड़ रही है, यानी इसी दिन से गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा के भक्त उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से घर पर लाते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। इस बीच गणपति बप्पा की सेवा भाव से पूजा अर्चना वगैरह की जाती है, घर पर लेकर आते हैं और स्थापना करते हैं। आइए आपको बताते हैं गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना के शुभ समय और अन्य जरूरी जानकारी। पूजा के मुहूर्त की अगर बात करें तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर शुरू होगी और 19 सितंबर को दोपहर 1:43 पर रहेगी। ऐसे में ये गणेश चतुर्थी का पर्व 19 सितंबर को मनाया जाएगा। 19 सितंबर को गणपति जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 10:50 से 12:52 तक है। अति शुभ मुहूर्त 12:52 से 2:56 तक है। आइए अब बात करते हैं पूजा के विधि की। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर को साफ करें और बप्पा के आगमन के लिए घर को सजाएं। ईशान कोण में लकड़ी की चौकी की स्थापना करें और चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। सही मुहूर्त में गणपति जी की प्रतिमा को घर लाएं और चौकी पर विराजमान करें। इसके बाद उन्हें सिंदूर, फूलमाला, धूप, दीप, अक्षत, पान, लड्डू, मोदक, दुर्वा आदि अर्पित करें। इसके बाद नियमित रूप से गणेश जी की विधिवत पूजा करें। 5वें, 7वें और 11वें दिन उनका विसर्जन करें। अब बात करते हैं गणेश उत्सव के महत्व की। भगवान गणेश को दुखहर्ता, शुभकर्ता और विघ्नहर्ता जैसे नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दौरान गणपति की स्थापना जिस घर में की जाती है और विधि विधान से पूजा वगैरह किया जाता है, उस घर की सारे कष्ट, परेशानियां और विघ्न गणपति अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। पूरे साल लोग इस पर्व का इंतजार करते हैं और धूमधाम से इसे मनाते हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को बड़े स्तर पर मनाया जाता है। माना जाता है कि बप्पा जहाँ भी रहते हैं वहाँ हर समय सुख समृद्धि रहती है। गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने से वह अधिक प्रसन्न होते हैं। इनकी पूजा करने से माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। हर साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुरू होकर ठीक 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की मूर्ति विसर्जन के बाद समाप्त हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्श न्यूज़।